रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम गोलगप्पे बना रहे हैं। सबसे पहले हम पानी बनाते हैं, मीठा पानी। सबसे पहले एक कप हमने चीनी ली है पिसी हुई, और कश्मीरी लाल मिर्च एक चम्मच, और काला नमक एक चम्मच, और ज़ीरा पाउडर आधी चम्मच, और चाट मसाला एक चम्मच। अब हम इसमें पानी डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि चीनी हमारी अच्छी तरह घुल जाए। चीनी हमारी अच्छी तरह घुल गई है। अब हमने इसको चेक करना है, टेस्ट कर लें आप। अगर नमक कम हो तो आप और डाल सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सही टेस्ट है मीठा। माशाल्लाह ये हमारा मीठा तैयार हो गया है। अब हम दूसरा ग्रीन कलर का वो तैयार करेंगे पानी। पहले हमने मीठा और रेड कलर का पानी बनाया है, अब हम तीखा और ग्रीन बनाएंगे। इनको हमने पीस लिया है, पुदीना, हरा धनिया और दो सब्ज़ मिर्चें। आधी चम्मच काला नमक, और इमली का हमने गूदा निकाला हुआ है, ये थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे। आधी चम्मच आम नमक और लेमन जूस दो चम्मच। अब हम पानी डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तीखा और हरा पानी हमारा रेडी हो गया है। अब हम चेक करेंगे कैसा बना है। बहुत ज़बरदस्त, थोड़ा सा नमक कम है, थोड़ा सा नमक कम और डालेंगे। पानी हमारा रेडी हो गया है। अब हम खट्टा पानी बनाएंगे। इमली को हमने पो लिया था और उसका पानी निकाल लिया है। की सूंड की डालेंगे, एक चुटकी सूंड की हमने डाली है, और आधी चम्मच काला नमक, आधी चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच आम नमक, और ये एक चम्मच लेमन जूस है। इन सब चीज़ों को डालकर मसाले को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और पानी और ठंडा हम इसमें डालेंगे। खट्टा पानी हमारा रेडी हो गया है। अब हम चेक करेंगे कैसा बना है। बहुत ही ज़बरदस्त बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम गोलगप्पे का आटा गूंदेंगे। एक कप हमने सूजी ली है, उसको अच्छी तरह हमने छान लिया है, और दो चम्मच हम मैदे की लेंगे। गरम पानी हमने लिया है, गरम पानी से हमने आटा गूंदना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी हमने डालना है। हमने ग्लव्स पहन लिए हैं, इसलिए पानी जो है गर्म है। अब हाथों से हमने अच्छी तरह इसको गूंदना है। आटा हमारा रेडी हो गया है। अब हम 10 मिनट के लिए स्टे देंगे, इसके बाद हम गोलगप्पे बनाएंगे। ये हमारा आलू चना चाट। हमने पहले आलू उबाल लिए और चने भी उबाल लिए थे। एक अदर टमाटर लिया, उसको भी बारीक काट लिया है, और हरी मिर्च एक ली है, और प्याज
अब हम इसमें चाट मसाला एक चम्मच डालेंगे और कोई चीज़ हमने नहीं डालनी, इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। ये हमारा आलू चना चाट तैयार हो गया है गोलगप्पों के लिए। अच्छी तरह हमने चाट मसाला मिक्स कर लेना है। ये हमारा रेडी हो गया है, 10 मिनट हो गए हैं हमारे आटे को। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैदा हम नीचे फैला लेंगे और एक पेड़ा हम बना लेंगे। रोटी की तरह हमने बेलने की मदद से उसको बेल लेना अच्छी तरह। बिल्कुल बारीक आपने बेलना है, हल्का सा मैदा ऊपर छिड़क ले, बिल्कुल बारीक। जितने बारीक होंगे उतने ही हमारे गोलगप्पे सही फूलेंगे। हर तरफ से हमने अच्छी तरह इसको बेल लिया है बारीक बिल्कुल। अब हम इसको काट लेंगे। हमने बोतल का ढक्कन लिया है, इसकी मदद से हमने इस तरह काट लेना है। इस तरह जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम निकाल लेंगे। ये देखें, इस तरह हम डिश में रखते हैं, फिर और हम बेल लेंगे। ये देखें, हमने छोटी छोटी टिक्के इस तरह काट ली हैं। इसी तरह और हम बना लेंगे, फिर हम फ्राई करेंगे, आपको बताएंगे कि गोलगप्पे कैसे बनते हैं। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया है, अब हम गोलगप्पे फ्राई करेंगे। इस तरह आपने ऑयल इसके ऊपर डालना है ताकि अच्छी तरह फूल जाए। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त फूल गया है। अब हम इस तरह एक और डालेंगे। इसी तरह एक एक करके आप डालें और ऑयल इसके ऊपर अच्छी तरह डालना है, गरम गरम ऑयल, ताकि अच्छी तरह हमारे गोलगप्पे फूल जाएं। गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप निकाल लें। आपने अच्छी तरह इस तरह ऑयल डालना है इसके ऊपर ताकि अच्छी तरह हमारे फूल जाए। ये देखें, हमने इसी तरह सारे गोलगप्पे फ्राई कर लेने हैं।
ये देखें गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर निकाल लें। ऑयल सही गर्म होना चाहिए, जितना ऑयल गर्म होगा उतने अच्छे हमारे गोलगप्पे बनेंगे। गोलगप्पे हमारे रेडी हो गए हैं, अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। माशाल्लाह हमारे गोलगप्पे तैयार हो गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। आप ही ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, घर वालों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं, यकीनन घर वाले बहुत खुश होंगे और मेहमान भी खाकर आपको याद करेंगे, तारीफ़ करेंगे आपकी। और दुआओं में हमें याद रखिएगा, हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रिश्ते के साथ। अल्लाह हाफिज़।